रोहित शर्मा ने मचाया गदर, घोषित किए मुंबई इंडियंस के 11 घातक लड़ाके। केकेआर को कुचलने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अचानक गुस्से में बदल डाली टीम की तस्वीर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको केकेआर के खिलाफ मैच के लिए मुंबई इंडियंस की फाइनल प्लेइंग 11 बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हो कि सूर्य कुमार यादव आज केकेआर के खिलाफ कोहराम मचा दे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पिछले मुकाबले में धमाकेदार जीत के बाद एमआई की टीम आज केकेआर का सुपड़ा साफ करने उतरेगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में चौके और छक्कों की बारिश होने वाली है, क्योंकि दोनों ही टीमें आईपीएल की खतरनाक टीमों में से एक है। ऐसे में कांटे की टक्कर होनी लाजमी है। वैसे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों के गढ़ में केकेआर के लिए अपनी जीत की डफली बजाना आसान काम नहीं होगा। ऊपर से तिलक वर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी टीमों में खौफ पैदा किया हुआ है। मुंबई की पिच की बात करें तो यहां रनों की खूब बौछार होती है, लेकिन पिछले मैच में यहां सीएसके के स्पिन गेंदबाजों ने मुंबई की कमर तोड़ डाली थी। ऐसे में आज के मैच में भी स्पिनर्स का बोल बाला रहने वाला है। इस मैदान पर टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। वहीं हेड टू हेड की बात करें तो एमआई और केकेआर के बीच अभी तक 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें मुंबई ने 22 मैच जीत केकेआर पर अपना पल्ला भारी रखा हुआ है। इसको बरकरार रखने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 11 घातक लड़ाके घोषित किए हैं, जो केकेआर का कचूमर निकाल देंगे। चलिए आपको बताते हैं कौन है वो घातक लड़ाके। दोस्तों, ओपनिंग की बात करें तो तूफानी बैटर ईशान किशन के साथ आपको कप्तान रोहित शर्मा बैटिंग करते नजर आएंगे। आपको बता दें, डीसी के खिलाफ दिल्ली में रोहित शर्मा और ईशान किशन का बल्ला जमकर बोला था। ऐसे में एमआई के ये दोनों बैटर अकेले ही केकेआर को तहस नहस कर सकते हैं। ओपनिंग जोड़ी के बाद तीन नंबर पर इस साल गदर मचाने वाले तिलक वर्मा आपको खेलते नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 41 रनों की तूफानी पारी खेली थी। उसके बाद मिडिल ऑर्डर की कमान टीम इंडिया के धांसू बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज टीम डेविड और क्रिस ग्रीन के हाथों में होगी। मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि आज क्रिस ग्रीन और सूर्य कुमार यादव को बैटिंग में ऊपर भेजा जाएगा। इसके बाद एमआई की घातक बॉलिंग लाइनअप शुरू हो जाएगी, जिसकी शुरुआत कोई और नहीं बल्कि खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और जेसन बेहरेंडॉर्फ करते नजर आएंगे। वहीं केकेआर की स्पिन टिकड़ी इस आईपीएल सीजन की सबसे खतरनाक है, और मैच दर मैच सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती और भी ज्यादा घातक होते जा रहे हैं। ऐसे में एमआई के बल्लेबाजों के अंदर इनकी आग उगलती गेंदों का खौफ इस मैच में साफ नजर आने वाला है। वहीं एमआई के स्पिनर्स डिपार्टमेंट की कमान ऋतिक शौकीन और बूढ़े शेर पीयूष चावला के हाथों में होगी। दोस्तों, केकेआर ने इस सीजन में 4 मैचों में 2 जीत हासिल की है, और मुंबई इंडियंस ने 3 मैचों 1 जीत और 2 हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ये मुकाबला भी सुपर डुपर होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मुंबई इंडियंस के किले को भेद पाएगी? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।